मांगी जाएगी तो आपको उसे अलाउ करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन है, आप गूगल से भी कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम गूगल के माध्यम से लॉगिन बनाएंगे तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम जब कंटिन्यू पे करेंगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी ईमेल आईडी की लिस्ट होगी यहाँ पर आ जाएगी, जिस भी ईमेल आईडी के साथ आप जाना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देनी होगी, ये होम पेज पे हम पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। अब दोस्तों यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालने का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिक्वायर लोन अमाउंट, सबसे पहले आपको टाइम लाइन में से अपनी लोन अमाउंट चुननी होगी, जितनी भी आपको लोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप लोन ले सकते हैं, मतलब एक्चुअली ये एप्लीकेशन जो है 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है, पर यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो 3 लाख का ही लिमिट आएगा। तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट आपको 3 लाख से लेकर 7500 के बीच में चाहिए तो आप टाइमलाइन में से चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डालने के बाद फुल नेम लास्ट नेम यहाँ पर डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे और उसके बाद जो है नीचे आपको प्रोवाइड पैन वाली ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल के इसे प्रोवाइड पैन वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जब आप यहां पर इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉयमेंट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है, कितना पैसा आप मंथली कमाते हैं यहां पर फिल करेंगे, आपकी मोड ऑफ सैलरी क्या है, मतलब आपकी सैलरी कैश आती है, ऑनलाइन आती है या चेक के माध्यम से आती है, तो एक ऑप्शन यहां से आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप अपना चूज़ करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो पहला रहेगा, अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना है, ऑफिशियल आईडी देनी है और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टाइप यहाँ पर बताना है कि आपका मतलब टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप ऑफ जॉब क्या है, आप सेल्स और मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। जब आप दोस्तों यहां पर सबमिट करेंगे तो यहां पर लोन पर्पस का ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आपको लोन किस पर्पस के लिए चाहिए, तो यहां पर कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपकी ऑप्शन नहीं है तो आप अदर पे टिक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है अदर पे टिक करने के बाद आपको अपना एड्रेस बताना होगा, करंट आपका एड्रेस क्या है, तो यहां पर आपको अपना एड्रेस बताकर यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या फिल करना है। देखिए कितने सालों से आप इस एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 3 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट डालनी है, पिन कोड डालना है और सिटी डालनी है और स्टेट यहाँ पर चूज़ करनी है और घर आपको बताना है आपका अपना है या किराए पर है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, यू आर प्री अप्रूव्ड फॉर लोन ₹1,40,000 ओवर 24 मंथ टेन्योर, अपलोड योर डॉक्यूमेंट, गेट इट नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है 1,40,000 रुपये की लिमिट मिली है। अब यहाँ पर हमें जो है 3 घंटों का समय लगेगा लोन अप्रूव होने के लिए, यहाँ पर नीचे लिखा गया है आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हम टैप एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड कर देनी है। चलिए हम अपनी सेल्फी अपलोड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट देना है, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट, वोटर कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो टिक करेंगे और उसके बाद उसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप कैमरा से फ़ोटो खींचकर भी अपलोड कर सकते हैं या गैलरी में है तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कैमरा से फ़ोटो खींच के अपलोड कर देता हूँ। अब दोस्तों हमने करंट एड्रेस प्रूफ यहां पर अपलोड कर दिया है, अब आपको क्या करना है, यहां पर लास्ट मंथ सैलरी स्लिप यहां पर अपलोड करनी है और कंपनी की आईडी आपको अपलोड करनी है, यहां पर ऑप्शनल है, अगर है तो अपलोड कर देना, अगर नहीं है तो रहने देना। अब दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो यहां पर खींचनी है और उसके बाद पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है, तो चलिए यहां पर हम अपलोड करते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दिए हैं, अब हम इसे सबमिट करेंगे। अब आपको अपना सैलरी अकाउंट की डिटेल बतानी है जहां पर आपको सैलरी आती है, तो यहां पर आपको अपनी बैंक का डिटेल डालनी है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है जिस भी बैंक में आपको सैलरी आती है, उसके बाद जो है यहां पर आपको लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। तो यहां पर आपको PDF फाइल में वो स्टेटमेंट अपलोड करनी है और उसके बाद जो है अगर आप दूसरे किसी बैंक डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं। सबमिट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों हमारी एप्लीकेशन यहां पर सबमिट हो चुकी है, अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, यहां पर जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। वी आर प्रोसेसिंग योर लोन एप्लीकेशन, प्लीज़ बियर विद अस 5 मिनट। तो यहां पर 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी यहां पर हमें बताया गया है। तो यहां पर मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूं और 5 मिनट के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों यहां पर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है,
अब अपबार के पास हमारी एप्लीकेशन पहुंच गई है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं अब हमारी एप्लीकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर हम एलिजिबल होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो 24 आवर के अंदर अंदर जो भी हमारा बैंक अकाउंट है उसमें हमारे पैसे आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर नीचे हैव एनी क्वेरी पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो है अपनी क्वेरी वगैरह यहाँ पर जान सकते हैं, क्या आपको मतलब क्या पूछना है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का आप स्टेटस देखना चाहते हैं या पुरानी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपने अप्लाई किया ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, कितनी बार आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर जो है सारी हिस्ट्री नज़र आती रहेगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है अपबार्ड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई।